एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए कहां पे है वो देखें। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है और इसके बिटवीन हमारे पास क्या है ए। ठीक है, बात समझ में आती है फिलहाल तो अभी नहीं। अब इसको करना कैसे है वो देखें। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो छोड़ दें, अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खा लें पहले, अगर नहीं खा रहे तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, गौर से देखें। देख रहे हैं गौर से? अच्छा, ये देखें ये दो मैट्रिक्स है। अब इनके बिटवीन क्या है हमारे पास ए। उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या कह दिया ए। दो मैट्रिक्स के बिटवीन हमारे पास है ए और फाइंड करने को उन्होंने हमें क्या कह दिया ए। ये प्रॉब्लम है। अब हम इसको, अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 12 देखा है तो बढ़िया आया था आपकी, अगर नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर 12 देख के आप 13 लाजमी देखें, आपको इसकी सेंस समझ आ जाएगी कि इसको हमने किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, जब उन्होंने हमें बोला था फाइंड एक्स करने को प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया था 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू, इधर हमारे के पास क्या था एक मैट्रिक्स का, फॉर एग्जाम्पल 2, 5 एंड 6, 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इस चीज को हमने एक्स ही कंसीडर किया था और इस चीज को हमने ए कंसीडर किया था और इस चीज को हमने बी कंसीडर किया था। ऐसे ही किया था ना कि हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स था वो था ए, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था बी। ठीक है, देन हमने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया था, ए का इनवर्स अप्लाई कर दिया था और इधर भी ए का इनवर्स अप्लाई कर दिया था। क्लियर, देन यहां पे हमारे पास सिर्फ एक्स रह गया था और यहां पे बी ए का इनवर्स बन गया था। ठीक है, इस ए का इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए के इनवर्स का फार्मूला था 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही फार्मूला था ना जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। ए का इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट किस कंडीशन पे पॉसिबल है, डिटरमिनेंट सिर्फ इस कंडीशन पे पॉसिबल है जब आपके पास मैट्रिक्स या तो 2/2 के ऑर्डर्स में हो या फिर 3/3 के ऑर्डर्स में, फॉर एग्जांपल 2, 1, 1, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1 एंड 1, 2, 1। अब देखें, यानी कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स था वो इस फॉर्म में था जब आपके पास मैट्रिक्स में 2/2 की फॉर्म है या मैट्रिक्स में 3/3 की फॉर्म है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है, ये एक्स है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब देखें एक्स तो फाइंड ही करना है ना, एक्स तो हमने फाइंड करना है। यहां पे अगर हम इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये राइट हैंड साइड पे बी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी का इनवर्स देखें, सॉरी बी इंटू ए का इनवर्स हमारे पास क्या था, ए का जो इनवर्स है वो हमारे पास उसका फार्मूला था ए 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और डिटरमिनेंट हमारे पास किस कंडीशन पे पॉसिबल है, जब आपके पास मैट्रिक्स 2/2 के हों या 3/3 के हों। लेकिन यहां पे देखें अगर हम इसको ए कंसीडर कर भी लेते हैं तो इसका भी डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है ना, इसका भी डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर हम इसको भी मान के चलते हैं तो इसका भी डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कंडीशंस है, फिर ये कंडीशंस हैं आपके पास कि आप सिंपली क्या करें, मेरे कहने पे आपने सिंपल क्या करना है, ऐसा करना है, कैसे करना है आपने, ए फिर एक मैट्रिक्स ऐसा लें जिसका ऑर्डर 2/2 हो। अब वो मैट्रिक्स हम लेट करते हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू, अपने सिंपलिसिटी के लिए ए बी सी डी रख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमें ए फाइंड करना है, और ए हमने क्या रखा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट भी पॉसिबल हो, जिसका इनवर्स भी पॉसिबल हो, और जहां पर हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाए। क्लियर, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपने यूज करना है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 2/2 हो।
ठीक है, इस 2 by 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सके, देन ये वाला रिजल्ट जनरेट हो सके और हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जी। और ए की वैल्यू के अंदर हमने क्या चीज कंसीडर की है, ए बी सी डी, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर किया है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 by 2 है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या है, 5 - 1 0 0 3 1 ब्रैकेट में क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2 क्लियर। अब देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × a प्लस मैट्रिक्स का -1 × c स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × b प्लस फार्मूले का -1 × d एंड ब्रैकेट क्लोज करें, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × a प्लस फार्मूले का 0 × c स्पेस यहां पे क्या आ जाएगा, 0 × b प्लस फार्मूले का 0 × d क्लियर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × a प्लस 1 × c ब्रैकेट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 × b प्लस 1 × d एंड दिस मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिखा दें, 3 - 7 0 0 7 2 आ जाएगा। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a प्लस -c यहां पे क्या आ जाएगा, 5b प्लस -d यहां पे क्या आ जाएगा, 0 + 0 यहां पे आ जाएगा, 0 + 0 यहां पे क्या आ जाएगा, 3a + 1c यहां पे क्या आ जाएगा, 3b + d इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 3 0 7 - 7 0 2 ठीक है। अब देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए, क्लियर। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, हमें इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो मौजूद एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। अब देखें ए बी सी डी लाइक यहां पे लाए करते हैं इस वाले मैट्रिक्स में, अगर हम ऐसा करें फर्स्ट इक्वेशन को इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि दरमियान में मैट्रिक्स के कौन सा साइन है, इक्वालिटी का, सेकंड को सेकंड के साथ लास्ट को लास्ट के साथ, हम ऐसा करते हैं कंपेयर करते हैं, 5a - c इक्वल टू 5a - c इज इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3a + 1c इज इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली को 5b - d इक्वल टू हमारे पास क्या है, -7, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 3b + d इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब देखें इक्वेशंस क्रिएट हो गई, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखें जरा गौर से। अब ऐसा हम करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए, हमें सी या डी, हमें यानी कि इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल। अगर हम करते हैं ऐसा ही जैसा हमने कहा है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5a - c इज इक्वल टू 3, इधर क्या आ जाएगा, 3a + c इज इक्वल टू 7। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहां पे 5 + 3 = 6 7 8 यहां पे आ जाएगा, 8a c से कैंसिल, 7 + 3 = 10। अब 8a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड किस
कंडीशंस में आ जाएगा 2, 4, 8, 2, 5, 10। ए हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास आ गया 5/4। अगर हम इसी ए को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करने लगे हैं, पुट ए की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा 5, ए की जगह क्या आ जाएगा यहां पे सिंपल, ए की जगह आ जाएगा 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3 है, 5/5 = 25/4 इधर प्लस 3 है इक्वालिटी के, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3, इधर माइनस सी है इक्वालिटी के तो जाके क्या हो जाएगा प्लस सी। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा 4, 4 = 4, 25 - 4, 4 = 4, 4 = 12 = c, 25 - 12 = 13/4 = c। हमारे पास c भी क्या आ गया 13/4, a भी क्या आ गया 5/4। अगर हम ऐसा करें b और d के लिए कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं और इक्वेशन 4 के साथ भी ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 और 4 क्या है हमारे पास 5b - d = 7, 3b + d = 2 है, ठीक है। अब क्या करें सिंपल, क्या हो रहा है ये d d से कैंसिल, बाकी हमारे पास 5 + 3 = 8 माइनस 8b = -5, बी हमारे पास क्या आ जाएगा -5/8, क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, हमें क्या चाहिए b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और हम d फाइंड आउट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 5, b की जगह हम क्या लिखने लगे हैं -5/8 - d = -7, ठीक है। अब देखें इधर क्या आ जाएगा -25/8, इधर क्या आ जाएगा +7 और इधर माइनस डी इक्वालिटी के तो जाके क्या हो जाएगा प्लस डी। अगर हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 25 प्लस इधर क्या आ जाएगा 8 7 = 56 = d, 56 - 25 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 31/8 और d हमारे पास क्या आ जाएगा 31/8। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। अगर हम इस मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करते हैं, a हमारे पास क्या था a b c d, ए हमारे पास क्या आया है, ए आया है हमारे पास किधर गया, ये है 5/4, बी हमारे पास क्या आया है -5/8, सी हमारे पास क्या आया है 13/4 और डी हमारे पास क्या आया है 31/8। और यहां पे हमारे पास क्या चीज फाइंड करनी थी, फाइंड द मैट्रिक्स ए, और यहां पे ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास।